ये हमारे लिए बहुत दुखद है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनको भाजपा के द्वारा मना कर दिया गया कि आप रैली में मत आइए, रैली में भाषण मत कीजिए, आप डायरेक्ट रोड शो हाथ मिला दीजिए। ये लगता है कि सही नहीं है। और अभी क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो जाते हैं तो 400 नहीं 4000 सीट जितवाते हैं। मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आप रोड पर ना उतरे, मंच मिले तो वहाँ भाषण कीजिए, अन्यथा आप घर पे रहिए, आराम कीजिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस साहब फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी गया, नवादा और जमुई के लिए निकल गए हैं। आपको बता दे तेजस्वी यादव के साथ चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने नए रथ से बाई रोड ओ चुनावी सभा करने के लिए निकले हैं। जब इनसे मुकेश सहनी से पूछा गया कि नीतीश कुमार आज रोड शो करेंगे, तो उन पे जमकर बरसने लगे। उन्होंने साफ कह दिया कि जिस तरह से बीजेपी ने उन्हें कार्यक्रम करने से रोक दिया है और उनसे रोड शो करवाया जा रहा है, काफ़ी ये दुख लगा हमें जानकर। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी उन्हें रोड शो करने पे मजबूर कर रही है। वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्हें आराम करना चाहिए, तो उनसे रोड शो बीजेपी करवा रही है। क्या कुछ कर रहे हैं मुकेश सहनी, पहले आप उनके बयानों को सुने। ये हमारे लिए बहुत दुखद है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनको भाजपा के द्वारा मना कर दिया गया कि आप रैली में मत आइए, रैली में भाषण मत कीजिए, आप डायरेक्ट रोड शो हाथ मिला दीजिए। ये लगता है कि सही नहीं है। और अभी क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो जाते हैं तो 400 नहीं 4000 सीट जितवाते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा नहीं चाह रहे कि वो कहीं प्रचार में जाए, भाषण दे, कहीं उल्टा सुल्टा बयान दे दे, जैसे विधानसभा में विधान परिषद में बयान दे दिए, तो वो नहीं चाहते कि कुछ ऐसा बयान दे जो भाजपा को एनडीए को नुकसान हो, इसलिए मुख्यमंत्री जी से रोड शो करा रहे हैं। बताइए, इतना गर्मी का समय है, इतना धूप का समय है, जनता को भी रोड पर उतारेंगे, खुद भी रोड पर उतरेंगे, और इतना उम्र हो चुका है। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आप रोड पर ना उतरे, मंच मिले तो वहाँ भाषण कीजिए, अन्यथा आप घर पे रहिए, आराम कीजिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना मुकेश सहनी साफ साफ भाजपा पे भी फरते नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी नीतीश कुमार के लिए हमदर्दी दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पे बीजेपी पे कटाक्ष कर रहे हैं। आपको बता दें 2024 जो लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री 15 कार्यक्रम करेंगे, तो वही अब महागठबंधन के तमाम नेता लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी रोज कार्यक्रम पे निकल रहे हैं। बहरहाल इसको इतना ही, इसी तरह तमाम प्रोग्राम सब बन रहे हैं, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।